नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन डिबेट शो महाबहस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहीं गोली, कहीं फंदा और कहीं जहर, तरीका अलग अलग, परिणाम एक, आत्महत्या। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वो पीड़ा है जो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ समय में ही 28 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी जान दे चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस दंश को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबकी जान बचाते हैं वो अपनी जान क्यों दे रहे हैं। हम सर्वांगीण विकास में सक्रिय सहयोग देंगे, सक्रिय सहयोग देंगे। सदैव सेवा में तत्पर और मित्रता का मान, ये सूत्र वाक्य है उत्तर प्रदेश पुलिस के। वो बहादुरी में कुर्बान हो जाते हैं, वो दूसरों की जान बचाते हैं, लेकिन अरसे से आत्महत्या के दंश से जूझ रही है प्रदेश की पुलिस। दर्द की दास्तान ये कि आए दिन कोई न कोई पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी से हार कर मौत को गले लगा रहा है। आज आगरा में हेड कांस्टेबल जितेंद्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कासगंज में दरोगा देवी सिंह ने इसी दंश से दुनिया को अलविदा कह दिया और उन्नाव में सिपाही ने गंगा पुल में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। शनिवार को फूलपुर कोतवाली में तैनात सिपाही अनिल फांसी के फंदे पर झूल गया। बीते दिनों गाजियाबाद में दरोगा मधुप सिंह ने गोली मारकर अपनी जान ले ली। वहीं बिजनौर कलेक्ट्रेट में तैनात सिपाही अंकुर राणा को भी जिंदगी रास नहीं आई। देखिए, ये एक निश्चित तौर पर एक संवेदनशील पक्ष है और इसको पूरी गंभीरता से पूरा प्रशासन, हमारा पूरा मुख्यालय इसको लेता है। पीड़ा के परिदृश्य में जो दर्द पसरा है वो पाताल से भी गहरा है, क्योंकि सिपाही से लेकर आईपीएस तक खुदकुशी के आंकड़ों में शामिल हैं। अब बीती घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो पुलिस ने होनहार आईपीएस तक खोए हैं। एएसपी राजेश साहनी ने खुद को गोली मारकर जान दी थी। कानपुर एसपी सिटी सुरेंद्र दास ने जहरीला पदार्थ खाया था। हरदोई में दरोगा राजरतन वर्मा ने खुद को गोली मारी थी। मुरादाबाद में सिपाही सोमराज दिवाकर ने फांसी लगाई। बांदा में महिला सिपाही ने आत्महत्या की। गोरखपुर में दरोगा शिव कुमार ने फांसी लगाई थी। लखीमपुर खीरी में सिपाही रवि तोमर ने खुदकुशी की। मुजफ्फरनगर में महिला कांस्टेबल ने मौत को गले लगाया था। श्रावस्ती में एसआई मनोज यादव ने खुदकुशी की थी। बाराबंकी के हैदरगढ़ थाने की महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की। लखनऊ डायल 100 के दरोगा ने जान गंवा दी। फर्रुखाबाद में दरोगा ने खुद को 3 गोलियां मारी थी। कानपुर देहात में सिपाही नरेश यादव ने खुद को गोली मारी थी। बहरहाल, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मानना है कि बिना छुट्टी, बिना आराम के काम और परिवार की परेशानियों ने पुलिसकर्मियों के सामने दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। पुलिस के आचरण पर तो तमाम उंगलियां उठ जाती हैं, लेकिन सुविधा और सम्मान का सवाल हर कोई नहीं उठाता। सवाल ये है कि आखिर सबकी रक्षा करने वालों की सुरक्षा कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जो नाम हमने आपको बताए ये पिछले कुछ दिनों के हैं, अगर सारे नाम लाए तो ये फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी कि गिनाना भी बताना भी मुश्किल हो जाएगा। इस खास मुद्दे पर और बेहद संवेदनशील मसले पर महाबहस के लिए इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, मनीष शुक्ला हैं प्रवक्ता बीजेपी, राजेश राय हैं पूर्व आईपीएस, अनीश अंसारी हैं पूर्व आईएएस, सत्या सिंह हैं पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर, सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, अपराध शास्त्री हैं, पुलिस रिफॉर्म पर इन्होंने काम भी किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, पहले भी इस मुद्दे को आपने उठाया है, इस संवेदनशील मसले पर सरकार को, शासन को, प्रशासन का ध्यान इस ओर लाने की कोशिश की है, लेकिन ये मसला ऐसा है जो सबकी रक्षा करते हैं, आखिर उनकी रक्षा कौन करे। ये बिल्कुल, और ये कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं जिसमें व्यवस्था भी कटघरे में आती है, समाज भी कटघरे में आता है। हम लोगों के साथ दिक्कत यह है, हम मानते हैं कि जिसने पुलिस की वर्दी पहन ली
उसका न घर है, न परिवार है, न शरीर है, न मन है, न संतान है, न बूढ़े माता पिता है, ये संभव है क्या? नहीं ना। जो पुलिस में है वो भी इसी समाज का हिस्सा है, उसकी भी जिम्मेदारियां वही हैं जो अन्य पेशों में जो लोग हैं उनकी है। बैंक में जो बाबू है या स्कूल में जो टीचर है, वैसे ही वो भी लोग हैं। मैंने इस विषय को बहुत गंभीरता से देखा लंबे समय से। ये सरकारों का मसला नहीं है। पुलिस की स्थिति तो कभी नहीं बदली, और खास तौर पर निचले स्तर के जो पुलिस बल है, जिसमें सिपाही और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक की आप मान लीजिए संख्या, उनकी परिस्थितियां तो बहुत ही कारुणिक रही। और उसमें भी जो सिपाही है उसकी स्थिति तो जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की तब से कभी मैंने देखा ही नहीं कि सिपाही के बारे में कोई चिंतन हुआ हो, कोई मनन हुआ हो। आईपीएस के बारे में तो तब भी कुछ चिंतन मनन हो जाता है, वो खुद भी समर्थ है अपने लिए अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। लेकिन सिपाही जो 16 घंटे सड़क पर खड़ा है, आहेरा गेरा नथु खेरा जो आ रहा है वो उसको प्रताड़ित करके जा रहा है, उसका बच्चा बीमार हो वो इलाज कराने नहीं जा सकता, पत्नी बीमार हो, मां बीमार हो, पिता की तबीयत खराब हो, कोई घर में समस्या हो, उसको छुट्टी नहीं, भारी मानसिक संत्रास में जी रहा है ये पुलिस बल। लेकिन व्यवस्था कभी सुधरी नहीं। 19-20 का अंतर आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा कभी सुधरी नहीं। मैं जब इन लोगों से बात करता हूं तो दो बातें समझ आती हैं। एक, इनकी पीड़ा यह है कि हमको इंसान क्यों नहीं माना जाता, इंसान की जरूरतें हम पर लागू क्यों नहीं होती, एक। और दूसरा, हमारा काम अगर इतना जोखिम भरा है तो हमारे पेशे के प्रति सम्मान का भाव क्यों नहीं, कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल होती है, कहीं कोई गड़बड़ करे गाज गिरेगी सिपाही पर, गड़बड़ एसएसपी करें, आईजी करें, एडीजी करें, डीजी करें, नपेगा सिपाही सबसे पहले, चालान काट दे तो सिपाही गाली खाए, ना काटे तो गाली खाए। ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई? और ये आज का विषय नहीं है, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का मसला नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं वो कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। कम से कम जो कप्तान है या कप्तान से ऊपर के अधिकारी हैं वो इस अपमान से तो बचे हैं। उनके कपड़े तो नहीं कोई फाड़ता, उनके थप्पड़ तो नहीं कोई मारता, उतना तो अमला झमला वो लेके बैठे ही ना। सिपाही की सुरक्षा कौन करेगा, होमगार्ड की सुरक्षा कौन करेगा, उसके सम्मान की रक्षा कौन करेगा? और एक बड़ी विसंगति है जिसकी ओर पता नहीं राजेश राय ने कभी सोचा कि नहीं सोचा, और अनीस भाई को भी, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है इसमें तो आईएएस ही सब विभागों का मुखिया है, डीजीपी आईपीएस होता है लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम तो कलेक्टर आईएएस ही होता है ना, तो मुखिया तो वो आईएएस ही है। इस देश की या संचालन की बागडोर तो आईएएस ने कभी अपने हाथ से जाने नहीं दी। ठीक है, क्या कभी आप लोगों ने चिंतन किया? अजब विरोधाभास है, अजब विरोधाभास। राजेश राय जिससे ये उम्मीद करते हैं, अनीस अंसारी जिससे ये उम्मीद करते हैं कि जो सिपाही चौराहे पर तैनात है वो बदमाश को देखते ही उसको ढेर कर दे, उसमें राणा प्रताप का शौर्य हो, शिवाजी का पराक्रम हो, अच्छा जी ठीक है, और गाली खाए दरोगा जी की, साथ में ये भी मैंडेटरी है ना, कप्तान साहब की गाली खाए, उनके कुत्ते को घुमाए, नेताजी की गाली खाए, पत्रकार की गाली खाए, गुंडे मवाली की गाली खाए, एक तरफ ऐसा चरित्र भी रहे और दूसरी तरफ यह भी रहे कि बदमाश बड़े से बड़ा दिखे तो उसको ठाई से गोली मार दे, इतना साहस, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
दो विपरीत परिस्थितियों को आप एक शरीर में ढालना चाह रहे हैं कि हमारा नौकर बना रहे और साहसी राणा प्रताप जैसा हो जाए। नहीं, राणा प्रताप जैसा साहसी होगा तो आप कभी नौकर नहीं रहेगा, आपका मातहत रहेगा, आपके जूते नहीं उठाएगा, आपका पीकदान नहीं उठाएगा, नेताजी के घर पर गेटकीपर की नौकरी नहीं करेगा, विधायक जी के लिए पान नहीं लगवा के लाएगा, पैसे फेंक देगा विधायक जी के मुंह पर कि भाई मैं पान लाने की ड्यूटी में नहीं हूं। साहबों की पत्नियों को शॉपिंग के शॉपिंग बैग नहीं पकड़ेगा। जिस हाथ में आप गन पकड़ाते हो उसी हाथ में कहते हो कि मैम साहब के शॉपिंग बैग भी पकड़ो, ये एक साथ चल सकते हैं क्या? ये समस्या है जिस समस्या के चलते अपनी कनपटी पर बंदूक रख के रिवॉल्वर रख के गोली मार रहे हैं नौजवान। इस पर विचार करना होगा, कुछ समाधान देना होगा हमको। ये पीड़ा का मसला है, ये सम्मान का मसला है, ये स्वाभिमान का मतलब मसला है, ये आत्मसम्मान का मसला है। बेहतर होता आईपीएस लॉबी से ये पहल शुरू होती तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। राजेश राय बाबू, आईपीएस के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो एसोसिएशन खड़ी होती है, सिपाही के साथ कुछ भी हो जाए एसोसिएशन कहां बोलती? नहीं बोलती। सब इंस्पेक्टर के साथ कुछ भी हो जाए एसोसिएशन नहीं बोलती, क्या सच नहीं है? ये कड़वा सच है मित्र। इसीलिए मुझे लगा कोई नहीं तो हम लाते हैं आज ये विषय। सत्या सिंह, आप उसी पायदान पर रही हैं जिस पायदान में पीड़ा और ये सब थोड़ा ज्यादा है समस्याएं, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स या यूं कह लीजिए पूरे देश की पुलिस फोर्स जो उसका बहुसंख्यक हिस्सा है, वो किस तरह के तनावों से गुजरता है? बहुत सारे। अमिताभ जी, सबसे पहले तो जो आपने बताया था कि पुलिस की हालत है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग ये सोचते ही नहीं कि उसके भी माँ बाप होते हैं, उसका भी परिवार होता है, कुछ नहीं। आजकल तो सबसे पहले तो आप सोचिए, समाज शुरू वहीं से होता है कि एक बच्चा पैदा होता है और घर में माँ बाप जैसे लोग भूत से डराते हो, बाबा से तो लोग बोलते हैं कि अभी कोई भी गलती करता है कि अभी वो करो नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वहीं से शुरू होता है कि पुलिस नहीं हो गई जैसे गब्बर हो गया। उस एक छोटे से बच्चे के दिमाग में उस पुलिस के बारे में क्या आएगा? वो तो यही सोचेगा ना कि पुलिस कोई शैतान या कोई बहुत खराब चीज है जो उसको पकड़ के ले जाएगा, जिससे उसको डराया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपने बताया है कि ये पुलिस में कोई नहीं सुनता और कुछ नहीं, जो दबाव, तो मैं आपको बता रही हूं कि सबसे पहले तो राजनीतिक दबाव है, विभागीय दबाव है, पारिवारिक दबाव है और सामाजिक दबाव भी है। राजनीतिक दबाव में यह है कि हम अगर कोई खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हैं उसके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, एकदम नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने 32 साल पुलिस में नौकरी की, लेकिन मैंने 5 साल नौकरी सिविल पुलिस में करने के बाद सिर्फ इसी खादी के खद्दर के कुर्ते और पजामे के चक्कर में नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा लिखा कि मैं सिविल पुलिस में नौकरी नहीं करूंगी। और मेरी सीआईडी में फिर पोस्टिंग हुई, करीब 2.5 महीने छुट्टी पे रही। हुआ क्या था कि मैं बिना यूनिफॉर्म के संडे के दिन अपने घर से और ऑफिस जा रही थी चौकी पे, वहां पे जा रहे थे, बीच में एक खद्दर का कुर्ता पजामा पहने एक लड़के ने बहुत गंदा कमेंट किया और मैं रिक्शे से थी, मैंने रिक्शा रोका और उतरे और उसके पास जाके मैंने बोला क्यों क्या कहा, तो वो बोलता है कुछ नहीं कहा, आपसे किसने कहा? हमने कहा, एकदम कहा, हम कह रुको, और पुलिस चौकी नजदीक थी, मैंने रिक्शे वाले से बोला कि तुम जाओ पुलिस चौकी पे बुला के लेके आओ। इतने में वो समझ गया कि मैं पुलिस की हूं, वो भी खड़ा हो गया, बोला मैं भी बुला के ले आता हूं। हमने कहा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे बैठो। वो उठा, स्कूटर खड़ी थी बगल में, स्कूटर स्टार्ट करने लगा, मैंने चाबी स्कूटर की निकाल ली, उसने मेरे हाथ से चाबी खींची और मैंने चाबी खींची, मेरे हाथ में चाबी रह गई, गुच्छा उसके हाथ, मैंने एक झापड़ मारा उसको तो चाबी मेरे हाथ में रह गई, गुच्छा उसके हाथ में, वो भागा पलट के, मैंने पीछे से उसका कुर्ता पकड़ा, पता चला कुर्ता वो खद्दर का, अरे वो सिल्क का मेरे हाथ में आ गया, वो भाग गया।
उतने वो भाग गया, फिर पुलिस आई, जो हमारे सीनियर थे एक बघेल सर थे चौकी इंचार्ज, वो आए। स्कूटर खड़ी थी, ना उस पर नंबर था, ना स्कूटर का कोई कागज था, ना कुछ भी था, नहीं था, उसका पता नहीं चला। वो ले जाके स्कूटर को भेलूपुर थाना बनारस का था वहां पे जमा कर दिया गया, लावारिस में दाखिल। नेक्स्ट डे मेरी पेशी होती है, एक सीओ थे मिस्टर एम के बिश्नोई, मुझे बुलाए और बोलते हैं कि क्या सड़क पे आप जब चलते रहते, जब देखो तब बवाल करती रहती हैं। हमने कहा सर क्या बवाल किया, तो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं चलती हैं, आपको पता नहीं है कि वो कांग्रेसाई का नेता था और ये है वो है। उस समय हमने कहा सर पूरे बनारस में 3 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, कितने लोग यूनिफॉर्म पहन के चलेंगे? सत्या सिंह मेरी बहनें और लड़कियां, मुश्किल यहीं पर है, मुश्किल यहीं पर। ठीक है सत्या सिंह, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस मिलाऊं फिर आपके पास आऊंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। ठीक बात, थैंक यू। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हैं क्या अभी? जैन साहब समस्या ये है, ऊपर के अधिकारी कहते हैं कि आपने इस नेता के साथ ऐसा कैसे किया, आपने इसकी गाली को पंचामृत समझकर पी क्यों नहीं लिया, भगवान का प्रसाद समझकर, ये नेता है, आपने इसकी गाली पर टोका कैसे इसको, इस अपराध की सजा तो आपको मिलेगी, तो सिपाही गोली नहीं मारेगा तो क्या करेगा अपने को? सुधीर जी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ पहुंच रही भाई जी, जी जी हाँ। तो ये बातचीत जितनी आपकी मैंने सुनी और अभी जो मैडम अभी जो बोल रही थी, तो ये कुछ इस तरह के केसेस हैं, इनकी बेसिस पर इतनी बड़ी सी जो प्रॉब्लम है साइको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको इतनी जल्दी जज करना मुश्किल काम है, मतलब बहुत सारे मसले हैं। मैं एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की हैसियत से ये बात कह सकता हूं कि सन 1979 में सागर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट था क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, तो उसमें जो बातचीत हुआ करती थी पुलिस को लेकर, पुलिस को हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अंग मानते थे कि पुलिस जेल और जुडिशरी, तो आप जो बात कह रहे हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात है शायद, और उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके मनोस्नायुविक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात यहाँ पर फोकस में आती है। तो एक छोटा सा मुझे याद आता है कि 78 में पुलिस कमीशन ने कहीं जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में क्रिमिनोलॉजिस्ट रखने की बात कही थी कि भाई इनकी ट्रेनिंग जो है वो होना चाहिए, जाहिर है कि अगर वो बात होती तो उसमें एक चर्चा हम ये भी करते, हम उसमें एक मॉड्यूल पुलिस साइंस में ये भी बनाते कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया जाए। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट आज से 40 साल पहले था, वही स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो इशू है वो 40 साल बाद भी है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन 40 साल पहले थी वो आज भी है, कुछ बदला नहीं। ठीक बात, हाँ बड़ा फर्क अगर पड़ा है तो ये पड़ा है कि जो नंबर ऑफ पुलिस पर्सन जो अवेलेबल थे आज से 40 साल पहले वो शायद इस समय आधे हैं। अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो 40 साल में हमारी पॉपुलेशन करीब 2.5 गुनी बढ़ गई, वो रेशियो बहुत कम हो गया है जी, और वो बहुत कम हो गया। तो एक स्टेप जो वर्कलोड का है वो ठीक है। जैन साहब, जैन साहब मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर सेकंड राउंड में आपके पास आता हूं जी। थैंक यू राजेश राय। मेरी पीड़ा मालूम क्या है? मुझे ऐसा सिपाही दरोगा नहीं मिला जिसने बलखड़िया के डर से आत्महत्या की हो, जिसने छविराम के डर से आत्महत्या की हो, जिसने पोथी और लालाराम के डर से आत्महत्या की हो, जिसने निर्भय के डर से आत्महत्या की हो, जिसने फूलन के डर से आत्महत्या की हो, सीओ साहब के चलते आत्महत्या की, डीवाईएसपी डीएसपी के चलते आत्महत्या की, आईजी के चलते आत्महत्या की, और ये तो किया, और नेता विधायक सांसद के चलते आत्महत्या की, लेकिन ऐसा मुझे कायर कोई नहीं मिला। वहां तो छाती पर गोली खाई है इसी पुलिस ने, कुर्बानियां दी हैं। आप लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो इन लोगों की भलाई के बारे में चिंतन नहीं करते क्या? या इनको आप लोग घरेलू नौकर मानकर ट्रीट करते हैं कि भाई अगर मैं जिले का कप्तान हूं और इस जिले में 12,000 सिपाही है तो ये मेरा घरेलू नौकर है, ये मेरे जूते चमकाएगा और जूते का फीता बांधेगा मेरे। मैंने ऐसा दृश्य आंखों से देखा है राजेश, आंखों से। सही कह रहे हैं आप कि आपके बिरादरी के लोग सिपाही से, बाबर्दी सिपाही से जूता बंधवा रहे थे।
जो जो हाथ जूता बांधेगा वो बंदूक चलाएगा। राजेश राय, देखिए अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं एक बात तो सबसे पहले इस बात तो कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा इशू है जिस पे कोई चिंतन नहीं करता, कोई बात नहीं करना चाहता है। और मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस इतने व्यापक इशू को आपने इतने अच्छे तरीके से उठाया है। और मैं आपकी इसमें जितनी बातें आपने कही हैं, मैं आपकी बातों से शत प्रतिशत सहमत हूं। ये बात अपने आप में बिल्कुल अकाट सत्य है कि ये जो हमारी फोर्स है, ये बड़ी मोटिवेटेड फोर्स है। सिपाही से लेकर दरोगा तक, ऊपर तक सब लोग, जो इंस्पेक्टर तक, जितने भी लोग हैं, इनके अंदर बड़ा जज्बा है। ये जब पुलिस फोर्स में आते हैं, जिस भाव से भी लेकर के आए, लेकिन अगर इनको उचित और बढ़िया नेतृत्व मिलता है तो अपने अपने अधिकारी के लिए अब मौके पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, उसको हटा करके सामने खड़े होते हैं। हजारों की भीड़ के सामने मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे साथ में एक गनर और एक ड्राइवर रहा है मेरी रिवाल्वर लिए हुए, और मैं भीड़ में घुस गया तो मेरा ड्राइवर वो मुझसे आगे आगे चल रहा था कि सर आप जरा पीछे चलिए, मैं देखूंगा। एक छोटी सी रिवाल्वर थी उसके पास में। ये जज्बा रहता है फोर्स के लिए, और इस जज्बे को जगाने का जो काम है वो लीडरशिप का है, वो नेतृत्व का काम है। आप ये देखिए, लोगों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पुलिस फोर्स में की जानी चाहिए थी। वेलफेयर के लिहाज से घरों की सुविधा नहीं है, लोग बैरक्स में रहते हैं, बैरक्स में सुविधा नहीं है, खाने पीने की उनको दिक्कत होती है, ड्यूटी के आवर्स हैं उनकी दिक्कत होती है। जिनको घर मिल जाता है, वो घरों की जो पोजिशन पुलिस लाइन्स में है, वो ये घर के बारजे टूट रहे हैं, कब उनका जो छत टूट पड़े इसका पता नहीं है। पानी, वो सारी की सारी जो व्यवस्थाओं की दुर्व्यवस्थाओं की बात है, वो सारी की सारी चीजें भी उनकी कर्तव्य परायणता में बाधक नहीं बनती, जैसे आपने कहा। राजेश भाई, बात खाली इस बात की होनी चाहिए, ये जो सवाल है, बात खाली इस बात की होनी चाहिए कि उनके, जी जी बिल्कुल, राजेश भाई आपने जो बात कही वो मैंने भी आंखों से देखा, मैंने पुलिस लाइन की बैरकें देखी, अंग्रेजों के जमाने की वो अस्तबल से बदतर। बिल्कुल, अब मैं अनीस अंसारी साहब के पास आऊंगा। अब बॉल आ गई आईएएस की हाथ में, जी आईएएस का रोल समाप्त हुआ। अनीस अंसारी साहब, मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं जी, अरे मेरी सवाल तो सुन लो, तब तो अर्ज करो महाराज, पहले सवाल सुन लो अपने लिए, आईएएस लॉबी के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बनने का बड़ा शौक है, फरमाइए। सुबह सुबह अगरबत्ती जलाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बन जाऊं, पूरे सूबे में दरोगा सिपाही आईजी डीआईजी सलूट मारे, थोड़ा जलवा हो जाए बाल बच्चों का भी। लेकिन इस बात पर ख्याल मत करना कभी कि बैरक में आदमी रहेगा वो जानवर के रहने से बदतर स्थान हो गए, नहीं चिंतन करेंगे। वो खाएंगे क्या, नहीं चिंतन होगा, और फिर उनसे कहेंगे कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। न छुट्टी का हिसाब है, न वर्दी का हिसाब है, और साथ में मेम साहब का झोला और पकड़ के चल मारे अंसारी साहब, नहीं जी। ये जो पुलिस के कर्मचारियों में खासतौर से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल पर और ऊपर के लेवल पे भी, आईपीएस के लेवल पे भी खुदकुशी का सिलसिला इधर कुछ सालों में बढ़ा है। पिछले 5 सालों में 940 से ज्यादा रिकॉर्डेड खुदकुशियां पुलिस पर्सनल ने की हैं। इसकी एक अहम वजह तो यह है कि पुलिस के जो पोस्टें जो हैं उसमें भर्ती में बहुत कमी है। 23 लाख के करीब पूरे हिंदुस्तान में पुलिस पर्सनल हैं लोअर लेवल के, और उसमें से सिर्फ 6 लाख के करीब खाली पड़ी हैं। 6 लाख यानी 1/4 के करीब पोस्टें खाली हैं। तो जो काम 4 आदमियों करना चाहिए वो 3 आदमियों पर लदा हुआ है, और जो 3 आदमी अवेलेबल भी है उनमें से बहुत सौ को वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो जो इफेक्टिव काम करने वाले हैं पुलिस की ड्यूटी के, वो लोग बहुत कम हैं, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, उनका कोई वीकली ऑफ नहीं होता है, उनको कोई काउंसलिंग नहीं होती है। तो इसकी वजह से वो बराबर टेंशन में रहने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड होती है। इसमें 2-3 चीज़ें सरकार को फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है। एक तो जो वैकेंसीज हैं उनको जल्दी भरना चाहिए, दूसरे काउंसलिंग का रेगुलर इंतजाम होना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो यूपी के मौजूदा डीजीपी हैं ओपी सिंह साहब, इन्होंने इस पर बड़ी तवज्जो दी है और उन्होंने वीकली छुट्टी अभी हाल ही में मंजूर की है। तो हफ्ते में एक बार पुलिस पर्सनल को छुट्टी अब मिल सकेगी, कम से कम यूपी में। मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी के बाहर भी इस परिपाटी को लागू किया जाएगा। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंशन में तो बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन अगर फैमिली से मिलते रहते हो,
काउंसलिंग होती रहती हो, काउंसलिंग जरूरी है, मोरल हाई रहे, अंसारी साहब काउंसलिंग होना चाहिए। अंसारी साहब जी 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 जी, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मेरी पीड़ा थोड़ी सी, मैं कह रहा था कि उनके जो जी जी ठीक है अंसारी साहब, मेरी पीड़ा ये है कि जब आप मान रही सूबे की तब ऐसा कुछ नहीं किए, मुश्किल तो ये है, मैं नाम ले लेके गिनाऊंगा तो बदमजगी होगी, है ना, मुश्किल बैरक्स पर किसी ने नहीं सोचा, अब सब लोग कह रहे हैं कि हम तो गौतम बुद्ध है, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद अंसारी साहब, हम भी इसी मैदान में हैं, मैंने काम नहीं किया इतने वर्षों से महाराज, हम भी देख रहे, आप नहीं रहे होगे, आपकी बिरादरी की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा है व्यक्तिगत। मनीष शुक्ला जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बैरकों की हालत अस्तबल से बदतर, एक सेंटेंस, अस्तबल से बदतर, ठीक है अंसारी साहब, अभी नहीं, सिपाही के साथ अमानवीय व्यवहार, मानवीय गरिमा उसको उपलब्ध नहीं कराई जाती, जीवन नारकीय, खतरे में सबसे आगे झोंक दो, बाकी सारे बड़े लोग पीछे, जिनके कंधे पर अशोक की लाट लगी है वो पीछे चल रहे, और ननकू को आगे कर दिया डंडा लेके, बोले तुम मरो जियो, बोले आप क्या करेंगे, बोले हम फूल चढ़ाएंगे केवल जब आप मर जाएंगे, ये परिस्थितियां नहीं पैदा हो गई क्या उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी फौज, बहादुरी के लिए जाने जाने वाली फौज, और इसमें कोई आता है तो सोच समझ के आता है कि कुर्बानी का जज्बा है उसके अंदर दोस्त, क्या हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं शासन की व्यवस्था की कि हम उनके लिए बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराए, बेहतर सुविधाजनक जीवन दे, उनको सम्मान दे। मनीष जी देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से आपने एक अनछुए विषय को आज टैकल किया है, और जो पुलिस के लोग हैं सचमुच उनको लोग मनुष्य नहीं मानते हैं, उसके दो कारण हैं, एक तो पुलिस की जो ड्यूटी है उसके नाते से उनके ऊपर लोगों का भरोसा भी कुछ इतना है कि उनको लगता है कि ये इसी तरह से बने हुए हैं, और अमिताभ जी देखिए जितनी गहराई से आपने सोचा उतना कोई सोचता नहीं है, हमारी सरकार बनने के बाद जो जो दुश्वारियां हैं अगर आप हमारे घोषणा पत्र को उठा के देखेंगे तो हमने उसको भी एड्रेस किया है घोषणा पत्र में, उस पर हमने काम भी शुरू किया है, 3-4 तरह की दुश्वारियां हैं निचले लोअर लेवल पे, एक तो आवास की, उनके मेस की, साथ साथ संख्या की भी प्रॉब्लम है, करीब 3 लाख पद खाली थे सिपाहियों के उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार बनी, जिसमें 1,40,000 एग्जैक्ट मुझे संख्या नहीं ध्यान में आ रहा, 1,40,000-43,000 इतने सिपाहियों की भर्ती ऑन प्रोसेस है, कुछ ट्रेनिंग कैंपों में है, यानी कुछ महीनों में हमको करीब 1.5 लाख करीब सिपाही मिल जाएंगे, तो एक जो उनके ऊपर प्रेशर है ड्यूटी का निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, एक पायलट प्रोजेक्ट 2 जिलों में हमने चलाया है कि 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी का रोस्टर बने अलग अलग दिनों में, 7/1/7 डिवाइड करके संख्या को कि और हर 7 दिन पे एक दिन की उनको अवकाश मिले, क्योंकि एक अवकाश उनके लिए एक बड़ी समस्या है, और सिपाही नहीं पूरे ऊपर तक ये पुलिस के लिए प्रॉब्लम है, अवकाश की प्रॉब्लम रहती है निश्चित रूप से, होली के दिन जब हम आप होली मनाते हैं, दिवाली के दिन जब हम आप दिवाली मनाते हैं, ईद के दिन जब हम ईद मनाते हैं तो ड्यूटी पे खड़े होते हैं जिससे हम इन त्योहारों को मना सकें, तो ये छुट्टी अवकाश मिलने के लिए हमने उस पर काम भी शुरू किया है हमारी सरकार ने, और भर्ती भी शुरू कर दी है, और जो उनके जो आवास है, जो उनकी भोजन की व्यवस्था है, जो उनकी चिकित्सीय व्यवस्था है, इधर उसमें सुधार आने शुरू हुए हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या के रूप में हमको मिला था, इंटायर 2.5 साल में उतना नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन अनुपात से लगा इन चीजों पे जब काम ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर स्थिति होगी, और ठीक है जी मनीष जी, एक ब्रेक लेना है, मैं इनका कह रही हूं ब्रेक लेने के लिए, लेकिन एक बात कह के मैं ब्रेक पर जाऊंगा, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे जो सज्जन, उनको मैंने कहा, एक बार वो मुझे मिले, मैंने कहा ये जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंपनियों के पास फंड रहता है, आइए हम आप मिलके उनको परसू करें औद्योगिक घरानों को, और प्रदेश भर में सिपाही के दरोगा के रहने के लिए ठीक ठाक मकान बनवा दे, किसी ने नहीं सुना, लोगों ने सोचा अमिताभ जी तो पागल है,
अरे मकान बनवाए तो आईजी डीआईजी के लिए बनवाइए, सिपाही की चिंता कर रहे हैं बताइए, यही मानसिकता खराब है। एक ब्रेक के लिए रुकते, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अमिताभ जी, बहुत ही संवेदनशील मसला है कि आखिर वो पुलिस वाले जो कि वर्दी धारण करते हैं दूसरों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वर्दी धारण करते, साथ ही लोगों और समाज का नजरिया उनके प्रति क्यों बदल जाता है? वही वही समस्या है। आप नोएडा अथॉरिटी में कर्म बाबू हैं तो भव्य क्वार्टर में रहेंगे, आप नोएडा में सिपाही हैं तो धक्के खाएंगे, यही ना है तरीका है। और सबसे ज्यादा दोषी मैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मानता हूं, बहुत अदब से कहूंगा, माफी के साथ कहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर इन दोनों लोगों ने सोचा होता इस वर्ग की भलाई के लिए तो अब तक इस वर्ग की भलाई हो गई होती। छोड़िए नेताओं को, आपने क्या किया वो तो बताओ। सुधीर जी, मुझे 3 सुझाव दीजिए बहुत संक्षेप में, क्या होना चाहिए ताकि निचले स्तर का जो पुलिस बल है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है पुलिस बल की, जो फ्रंट पर खड़ा है, उसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? क्विकली 3 सुझाव। बात तो ये है साहब कि ये जो मसला है ये मसला जरा जटिल है, और इस जटिल मसले अभी तो संक्षेप में बता दीजिए, फिर जटिलता पर बात करेंगे कभी और। संक्षेप में 3 सुझाव आप क्या देना चाहते हैं? रिसर्च होना चाहिए, जो ये जो 7-8 पिछले अभी हाल में 7-8 लोगों ने जो सुसाइड किया है उनकी केस स्टडी बहुत ही जरूरी है इस वक्त, उसी से बहुत पता चलेगी। जी दूसरा प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए पुलिस में अब जी। तीसरा पेशेवर बनाया जाना जरूरी है, उसके लिए जो भी अपराध शास्त्री हैं उनकी सेवाएं अब लेना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा तो ये है जो सिंपल सी चीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भी शिकार ये लोग खुद हैं जी। ठीक है, ठीक है, आपका आपके सुझाव है सत्या जी। ठीक है जैन साहब। सत्या सिंह, 3 सुझाव बहुत जल्दी से, आप फोर्स में रही है, बताइए ग्राउंड जीरो की स्थिति सुधारने के लिए 3 सुझाव क्या हो ताकि सम्मान रहे, स्वाभिमान रहे। पहले तो अमिताभ जी सबसे बड़ा तो मैं आपको पॉइंट एक ये बता रही हूं कि आज तक कितने संविधान में चेंजेज हुए, कानून में चेंज हुआ, लेकिन एक पुलिस वाले के साथ ये है कि किसी भी बॉर्डर जिले में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसका जवाब आज तक नहीं मिला, और ये इतना बड़ा कारण है स्ट्रेस का कि अगर बॉर्डर जिले पे वो एक पुलिस वाला होता तो उसका घर नजदीक होता, तो शायद वो अपने बड़े मां-बाप को बीमार। सेकंड और थर्ड, सत्या सेकंड और थर्ड जल्दी से बताइए। हाँ सेकंड ये कि पहले जैसे कि एक सम्मेलन होता था, सारे पुलिस वालों को बैठा के सुना जाता था कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। ठीक है, गेट टुगेदर सम्मेलन टाइप होना चाहिए। थर्ड वन ठीक है, थर्ड वन रिस्पेक्ट होनी चाहिए एकदम। ठीक है, तीसरा थर्ड वन ये कि मतलब उनकी भी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, और जो वो इन्वेस्टिगेशन या कोई भी काम करे उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, हर जगह पुलिस नेगेटिव नहीं होती है। जी बिल्कुल ठीक बात। अंसारी साहब जी, हालांकि करना धरना सब आपकी बिरादरी को होता है, फिर भी आपसे पूछता हूं 3 सुझाव, 1 2 3। 3 बातें जी जी जी। एक तो ये कि जो अभी कहा गया कि पुलिस के कर्मियों को उनकी कठिनाइयों को सुनने के लिए ऊपर लेवल पे व्यवस्था होना चाहिए, चाहे आप प्रॉब्लम सॉल्व न करने पाए लेकिन अगर आप सुन लेंगे हमदर्दी के साथ तो काफी हद तक उनका ज़हनी टेंशन कम हो जाता है। दूसरी बात, उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनमें सुधार होना चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वगैरह वगैरह, लीव वगैरह। तीसरी चीज, जो वैकेंसीज हैं बड़ी तादाद में 25% करीब, उनको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को जल्दी, ताकि जो ओवरलोडेड है पुलिस कर्मचारी उनका उनका जो लोड है वो कम हो सके और रीजनेबल हो सके। जी ठीक बात है। राजेश जी, आप उस व्यवस्था का हिस्सा रहे लंबे समय तक, 3 व्यवहारिक सुझाव दीजिए ताकि जो 90% पुलिस बल है, मैं 10% की बात नहीं करता जो बहुत बड़े लोग हैं,
जो मैं 90% की लड़ाई लड़ने आया हूं, 90% पुलिस बल अपने को ये समझे कि मुझे भी आदमी माना जा रहा है, मुझे भी इंसान समझा जा रहा है, मेरे साथ भी सम्मान का व्यवहार हो रहा है। तीन सुझाव क्या होने चाहिए दोस्त? देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जो बात कही जा रही है कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए, और वो सुनवाई हर लेवल पे होनी चाहिए, एसओ लेवल पे, सीओ लेवल पे, एडिशनल एसपी लेवल पे, कप्तान लेवल पे। नहीं नहीं, सुनवाई के नाम पे तो आप लोग उसको सस्पेंड कर देते हो। जो ऑफिस है वो हमेशा नहीं, इसीलिए मैं आपने तीन सुझाव मांगे, मैं कह दूं अपनी बात। जो एसएसपी है वो उसको एक्सेसिबल होना चाहिए कि जो अपनी समस्या लेकर के है वो आए, वो आ सके, और वो केवल ये नहीं है कि उसकी समस्या को सुन लिया, उसकी समस्या को समाधान करने के लिए आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, उसका दर्द महसूस करने की बात होनी चाहिए, उसकी समस्याओं का हल, उसका निराकरण करने की कोशिश अगर जिले का एसएसपी और वहां का एडिशनल एसपी सीओ नहीं करेंगे तो वो मारे मारे किसके पास जाएंगे? वो उनकी समस्या का निराकरण करने की आपके अंदर मादा होना चाहिए। आप केवल कहीं सुनी बातों पर अगर कार्रवाई करेंगे, एसओ ने रिपोर्ट दे दी और आपने उसको पश्चिम से पूर्वांचल में भेज दिया, तो आपने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया, उसको आपने डिसरप्ट कर दिया उसकी पूरी लाइफ। तो आप उसको सुनिए और सुन करके यथासंभव उसको ये मालूम हो कि जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी वो हमारे माई बाप हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, और जब आप उनको सुन करके, उनको तवज्जो दे करके, उनकी बातों को, उनका निराकरण करेंगे, तो ये सिपाही सारी समस्याओं के बावजूद जान देने को तैयार रहेंगे। लेकिन उन्हें ये तो लगेगा कि मेरा कोई अपना ऊपर है जो मुझे मेरी सुनने को तैयार है। मनीष जी, एक बात के साथ आपसे तीन सुझाव पूछूंगा सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। क्या हम सरकार के स्तर से यह सुनिश्चित करा सकते हैं कि जिन भी माननीयों को सुरक्षा मिली है उनको इस बात की एक एडवाइजरी सबको जारी हो कि अपने सुरक्षा में लगे सिपाही से ये काम नहीं करा सकते, आप खैनी नहीं मंगवा सकते, चाय के कप नहीं उठवा सकते, कुत्ता नहीं घुमवा सकते, गाड़ी साफ नहीं करा सकते, नेताजी का बस्ता पकड़ के नहीं चला सकते, वो केवल राइफल पकड़ने के लिए। क्या इतना हम कर सकते हैं? इसके जवाब के साथ तीन सुझाव। देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी, सिपाही से वही काम लेना चाहिए जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है, और मैक्सिमम जगहों पे अब कहीं भी आपको बैग उठाए सिपाही नहीं दिखते हैं। आज से 8-10 साल पहले दिखते थे, हम लोग को भी दिखते थे, लेकिन इधर ये इसमें थोड़ी कमी आई है। और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, हम लोग तो उस दल के लोग हैं जिस दल के लोग आपकी डिबेट और आपके समाचारों को भी पॉजिटिव वे में लेते हैं, कभी हमने निगेटिव भाव में समाचारों को नहीं लिया। और आप लोग जो डिबेट करते हैं, चाहे ईटीवी न्यूज 18 करता हो या अन्य चैनल भी करते हो, जो अच्छी चीजें हैं उसको उठाते हैं, और ढेर सारी बदलाव, ढेर सारे डिसीजन आपको ध्यान में होंगे कि हमने टीवी डिबेट्स, टीवी खबरों से या समाचार पत्रों से भी सुझाव आने के बाद हमारी सरकार ने लिए हैं। और देखिए, एक पॉजिटिव चीज आप हमारी सरकार की मान सकते हैं कि हमको समस्या का ध्यान है, इसीलिए जैसे हमने अन इशूज को एड्रेस किया था अपने घोषणा पत्र में, पुलिस की छोटी छोटी समस्याओं को हमने शामिल कर रखा है, जिसमें एक उनका नियुक्ति से लेके उनके जो मेस से लेके उनके रहने की जो बातें हैं, अरे आवास की जो समस्याएं हैं, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया है। तो निश्चित रूप से आपकी जो ये आपका ये जो सुझाव है कि पार्टी स्तर पे, सरकार स्तर पे, तो पार्टी सरकार और आपके चैनल को सभी लगभग लोग देखते भी हैं, और हमको लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसी कोई घटना आपके सामने नहीं आएगी, आई होगी हमारे 2.5 साल की सरकार में, जिसमें सिपाही से कोई ऐसा अनुचित कार्य लिया जा रहा हो जिसके लिए उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। बिल्कुल मनीष जी, और आना भी नहीं चाहिए, ऐसी तस्वीरें सामने आनी भी नहीं चाहिए। अमिताभ जी हमारे साथ हैं, लगातार मौजूद हैं, और इस विषय को बहुत पहले से आप देख रहे हैं। सर, ये बताएं, जब हमें दिखती है कि सॉल्यूशंस कहाँ है, बावजूद इसके वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं तो बड़ा व्यवहारिक आदमी हूं, किताब कॉपी में मेरी ज्यादा रुचि नहीं, ना मैं गूगल जानू, मैं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के सख्त खिलाफ रहता हूं। अनिल अंसारी साहब बैठे हुए, मैंने एक बार ऐसे नोएडा के चेयरमैन से कहा कि भाई, आपसे दिन भर जो लोग मिलने आते हैं उनमें कोई 500 करोड़ से कम की हैसियत का तो आदमी है नहीं, जो आपसे मिल रहा है उससे कम वाली तो नीचे निपट लेते। तो हंसने लगे,
मैंने उनमें कुछ लोगों को प्रेरित कर दीजिए, पुलिस लाइन में भी थोड़ा पुण्य कमाएं, पंखे लगवा दे, कूलर रखवा दे, ये बच्चे हैं हमारे, ये व्यवहारिक सुझाव समझ में नहीं आया। गुलदस्ता लेके दिन भर घूमेंगे गाड़ी में, इसके दरवाजे मत्था टेकेंगे, उसके दरवाजे मत्था टेकेंगे, लेकिन ये सुझाव समझ नहीं आएगा क्या? ठीक नहीं था सुझाव? आप अपनी सुविधा के लिए सब काम करा लेते हो, सिपाही कौन पूछे सिपाही को? ये पाप है, ये गौहत्या है। मैं उन अधिकारियों से बहुत क्षुब्ध रहता हूं जो अपने माताहितों की सुविधा का सम्मान का ख्याल नहीं रख सकते। ये जिम्मेदारी है कप्तान से लेकर डीजी तक की कि उसके सिपाही का सम्मान रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल अगर चौराहे पर कोई है तो सिपाही है। आप उस इकबाल को ध्वस्त करा के मनोबल बढ़ाएंगे? एक रेखा खींचनी चाहिए। सिपाही का मतलब सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सकता। केरा गहरा नत्थू खैरा, जो शिकायत कर दे वो सिपाही को बलिदान कर दो। क्यों भाई, कप्तान साहब को बलिदान करो? अगर नेता को संतुष्ट करना है, पत्रकार को संतुष्ट करना है, दबंगों को संतुष्ट करना, तो कप्तान साहब को बलिदान करो ना, आईजी डीआईजी को करो। एक सिपाही कितनी बार सजा पाएगा? जो बात सत्या सिंह कह रही थी, क्या कहा था इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने कि तुमको पता नहीं था सत्या, ये कांग्रेस का नेता है? इसका मतलब उसको नमस्ते करते, वो गाली दे तब भी नमस्ते करो? क्या शर्मनाक आचरण नहीं है? क्या इस आचरण पर लज्जा नहीं आनी चाहिए? शर्मिंदगी की बात है। आपका इशू हो तो आप सब यूनियन बना के एक साथ खड़े हो जाओ। आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, सिपाही की कोई एसोसिएशन नहीं, अंसारी साहब, राजेश राय साहब, इसीलिए वो संकट में है। होना भी नहीं चाहिए, सुरक्षा बल है, लेकिन उसकी चिंता फिर हमको करनी होगी, शासन को करनी होगी, सत्ता को करनी होगी, अधिकारियों को करनी होगी। ये हृदय, ये मेरे हृदय के नजदीक विषय है। जाके पुरथानों में देखिए क्या परिस्थितियां हैं, किस जीवन शैली में वो लोग रह रहे हैं। कोई रह सकता है उस जीवन शैली में? और जो बात सुबोध जी कह रहे थे, इन्होंने बहुत काम किया अपराध शास्त्र पर, पुलिस पर, रिफॉर्म पर, जो बात सत्या बता रही थी, क्या जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़े मसले हैं, उनके परिवार की समस्याएं हैं, क्या उनके साथ हम नहीं खड़े हो सकते? मूल प्रश्न है कि क्या अधिकारी परिवार जैसा वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं? नहीं ना। आप अंग्रेजों के माइंडसेट में रहना चाहते हैं। 18वीं शताब्दी में 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता में बैठ के 1861 में जो पुलिस एक्ट बना दिया, उसी से पुलिस को हांक रहे हैं हम आज। ये पुलिस एक्ट भारत के मिजाज के अनुकूल नहीं है, ये बदला जाना चाहिए। आज पुलिस भी भारत की है, लोग भी भारत के हैं, अधिकारी भी भारत के हैं, सरकार भी भारत की है, फिर वो कानून क्यों चले जो अंग्रेज बना कर गए थे अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए? एक सिपाही आत्महत्या करता है, पूरे पुलिस का इकबाल कमजोर होता है। इस तथ्य को समझना होगा। मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी, सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखिए कृपा करके इन लोगों के कल्याण के विषयों को, चाहे वो वर्दी का भत्ता हो, चाहे वो मोटरसाइकिल में तेल डलवाने का भत्ता हो, चाहे टेलीफोन का भत्ता हो, चाहे वर्दी धुलवाने का पैसा मिलता हो, इनको बेहतर खाना मिले। एक बार मैंने मसला उठाया था तो पुष्टाहार, वो नाश्ता का जो पोषक नाश्ता है उसका कुछ पैसा बढ़ा था, मैंने धन्यवाद भी दिया था। उससे पहले तो ऐसा नहीं था कि उसमें पोषण छोड़ो कुपोषण हो जाए, उतना पैसा था, लेकिन योगी जी ने बढ़ाया। मैं फिर कहूंगा, देखें इनके जीवन का अध्ययन करे सरकार, ये भी इंसान है, इन्हें सम्मान दीजिए, इन्हें मान दीजिए। हम इनको हिफाजत देंगे तो ये उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को हिफाजत देंगे, ये तथ्य ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। इसे संवेदनशील मसले पर महाबहस का हिस्सा बनने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।
India's largest